नमस्कार। तो आज हम डिस्कस करेंगे एचपी जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस जो हैं ये हम पहले डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, अभी सिर्फ हम इन्हें क्विकली रिवाइज करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वेयर इज़ द सिल्क फ्लेक्चर फंक्शनिंग इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। कांगड़ा जिले में रेशम काटने का संयंत्र कहाँ स्थित है? कांगड़ा जिले में जो रेशम काटने का संयंत्र है वो बौद्ध नूरपुर में स्थित है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर टू है, ड्रॉप ऑफ लाइफ इज द फेमस वर्क ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिस्ट। ड्रॉप ऑफ लाइफ जो है वो कौन से आर्टिस्ट का फेमस वर्क है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, निकोलस रोरिक। निकोलस रोरिक का ये फेमस वर्क है ड्रॉप ऑफ लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री है, गोंदला कैसल इज बिल्ट इन 1700 AD बाय। गोंदला कैसल 1700 ईस्वी में किसके द्वारा बनवाया गया था? तो देखिए, गोंदला कैसल जो था, पहले तो आप यहाँ से याद रखिएगा कि 1700 ईस्वी में बनवाया गया था। अब ये किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये जो था ये बनवाया गया था, चार ऑप्शन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है ऑप्शन डी है, कुल्लू राजा मानसिंह के द्वारा ये बनवाया गया था। ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर है, सूही फेयर हेल्ड इन चंबा इन मंथ ऑफ। सूही मेला जो है डिस्ट्रिक्ट चंबा में किस महीने में लगता है? तो ये जो है ये लगता है अप्रैल मंथ में। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव है, इन विच ईयर बड़ा सिगरी ग्लेशियर काउज द ग्रेट हैवॉक इन चंद्रा वैली। देखिए, बड़ा सिगरी ग्लेशियर में जो था एक बड़ा हादसा हुआ था, बड़ा एक एवलांच आया था, तो ये कब आया था? तो आपका चार ऑप्शन दी गई हैं। इस क्वेश्चन का जो है वो सही आंसर आपके पास जो होगा वो होगा ऑप्शन डी, 1936 में जो था ये हैवक जो था ये आया था। तो इस क्वेश्चन के बारे में आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स है, तेभांगस्टन इज टाइप ऑफ मैरिज अमंग। तेभांगस्टन जो है टाइप ऑफ मैरिज है, तो ये कौन सी ट्राइब के बीच जो है मैरिज की टाइप है? देखिए, मैरिज की टाइप जो थी हमने बिल्कुल डिटेल में डिस्कस की थी, तो तेभांगस्टन जो है वो लोहलीज के बीच में मैरिज की टाइप है। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन है, इन द बिगिनिंग ऑफ मधान थियोग गुंडी वर फीफ्स ऑफ मधान थियोग गुंडी किसकी जागीरें थी? ये शुरुआती दौर में पूछा गया है, तो शुरुआती दौर में ये थी कियुंथल की जागीरें। ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट है, कैपिटल ऑफ बुशहर वाज शिफ्टेड फ्रॉम कामरू टू सरहान। बुशहर की राजधानी जो थी वो कामरू से सरहान को कब स्थानांतरित की गई थी? देखिए, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, एलाइड के एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आपके पास होगा वो होगा ऑप्शन सी, 10th सेंचुरी, 10वीं शताब्दी की ये बात है जब बुशहर की राजधानी कामरू से सरहान को स्थानांतरित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंसिटी पर स्क्वेयर किलोमीटर इन हिमाचल एज पर 2011 सेंसस इज हाईएस्ट इन। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का, किस जिले का यहाँ पर होगा, हिमाचल के किस जिले का घनत्व सबसे अधिक है? देखिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो है आपके पास ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। हमीरपुर का घनत्व जो है वो है 407। और अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात, आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर आपको इम्पोर्टेंट वीडियोज की PDF मिल जाएगी। टेलीग्राम के अलावा आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। इन सब का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन हिमाचल किताब के लेखक जो थे वो कौन है? देखो, प्राचीन हिमाचल किताब की बात की गई है, तो इस किताब के लेखक जो हैं वो है एलसी पांडे। ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है, एलसी पांडे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर इलेवन है, देखिए यहाँ पर रीरा की फुल फॉर्म पूछी गई है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रीरा। तो रीरा जो था वो रिसेंटली न्यूज़ में था, तो इसीलिए इसकी फॉर्म पूछी गई थी। देखिए, इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही आंसर है, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। ये जो है ये रीरा की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है, हिमाचल बिकम स्टेट टू लॉन्च माई गॉव वेब पोर्टल। हिमाचल प्रदेश माई गॉव वेब पोर्टल शुरू करने वाला कौन सा राज्य बन गया है? तो यहाँ पर हिमाचल नहीं होगा, कौन सा राज्य बना है? तो देखिए, हिमाचल जो है माई गॉव वेब पोर्टल लॉन्च करने वाला 11th स्टेट जो है वो बना है। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है, 11th स्टेट जो है ये बन गया है हिमाचल माई गॉव वेब पोर्टल लॉन्च करने वाला। क्वेश्चन नंबर थर्टीन है,
द जापरो डांस इज परफॉर्म्ड इन, जापरो डांस जो है वो कौन सी वैली में परफॉर्म किया जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो है वो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है, हांगरंग वैली में ये जापरो डांस परफॉर्म किया जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हांगरंग वैली में ये परफॉर्म किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है हु वॉज इलेक्टेड एज जनरल सेक्रेटरी ऑफ शिमला रियासती प्रजामंडल, शिमला रियासती प्रजामंडल के जनरल सेक्रेटरी किसे बनाया गया था। तो देखिए जनरल सेक्रेटरी बनाया गया था ज्ञान चंद टोटो को, ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15, श्री एम एल होगल इंट्रोड्यूस्ड ट्राउट ब्रीड इन हिमाचल, इन एम एल होगल के द्वारा हिमाचल में ट्राउट ब्रीड जो थी, ट्राउट ब्रीड कब इंट्रोड्यूस की गई थी। तो देखिए एम एल होगल ने हिमाचल में ट्राउट मछली की जो ब्रीड थी वो इंट्रोड्यूस की थी, और ये इनके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी ऑप्शन बी 1909 में। ये आप याद रखिएगा कि कब लॉन्च की गई थी। अच्छा यहाँ से मुझे आप एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइएगा कि जो दियोली मछली प्रजनन केंद्र है वो कौन सी खड्ड के किनारे स्थित है। याद रखिएगा पहले दियोली मछली प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है और ये कौन सी खड्ड के किनारे स्थित है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है विच राजा ऑफ बिलासपुर वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ नादिर शाह, बिलासपुर के कौन से राजा जो थे वो नादिर शाह के समकालीन थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है आपके पास वो है ऑप्शन सी देवीचंद, देवीचंद जो थे वो नादिर शाह के समकालीन थे। तो याद रखिएगा देवीचंद नादिर शाह के समकालीन थे। क्वेश्चन नंबर 17 है सिब्बा रिमेंड अंडर संसार चंद ऑफ कांगड़ा फ्रॉम 1786 टू, सिब्बा रियासत 1786 से कब तक कांगड़ा के राजा संसार चंद के अधीन रही थी। देखिए 1786 से ये 1806 तक जो था वो कांगड़ा के राजा संसार चंद के अधीन रही थी, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है विच राजा ऑफ हंडूर, यहाँ पर है हंडूर वॉज लवर ऑफ आर्किटेक्चर एंड बिल्ट राम शहर। देखिए कौन से राजा जो थे हंडूर के एक अच्छे लवर थे आर्किटेक्ट के, और उन्होंने राम शहर भी बनवाया था। देखिए राम शहर बनवाया गया था राजा रामचंद के द्वारा, इनके नाम से ही पता चल रहा है, तो ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है विच ऑफ दी फॉलोइंग लैंग्वेज इज स्पोकन बाय पीपल ऑफ शिशुल एरिया, शिशुल एरिया के लोगों के द्वारा जो है वो कौन सी भाषा बोली जाती है। देखिए शिशुल एरिया के लोगों के द्वारा जो है वो तिनान, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, तिनान भाषा जो है वो बोली जाती है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछते जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है एच पी इट्स शेप एंड स्टेटस, यहाँ पर होगा इज रिटन बाय, तो एच पी इट्स शेप एंड स्टेट इज रिटन बाय, ये किताब जो थी ये किसके द्वारा लिखी गई थी। तो ये किताब लिखी गई थी डॉक्टर वाई एस परमार के द्वारा, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है इन हिमाचल इन 2017 हिमाचल प्रदेश विधानसभा इलेक्शन हाउ मैनी इंडिपेंडेंट मेंबर वर इलेक्टेड, 2017 के हिमाचल विधानसभा में कितने निर्दलीय चुने गए। देखिए 2017 के चुनाव की जब आप बात करेंगे तो हिमाचल विधानसभा में दो इंडिपेंडेंट मेंबर चुने गए हैं, ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन ऑफ कांगड़ा इज नोन एज बल्टोहिया वाला शहर। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बल्टोहिया वाला शहर जो है कांगड़ा के किस क्षेत्र को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है ऑप्शन डी गंगत को, ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है वैन वॉज हिमाचल लोकायुक्ता एक्ट पास्ट, हिमाचल लोकायुक्त एक्ट कब पास हुआ था। तो देखिए हिमाचल लोकायुक्त एक्ट जो था वो पास कब हुआ था ये आपको पता होना चाहिए, ये पास हुआ था 1983 में। इसके अलावा आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना कब हुई थी और हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, ये आप दो चीज़ें मुझे कमेंट करके बताइए क्योंकि दोनों चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बताई हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है इन विच माउंटेन रेंज इज चोलंग पीक, चोलंग रेंज जो है चोलंग धारा जो है वो कौन सी माउंटेन पीक पर है। तो देखिए ये जो है ये है आपको चार ऑप्शन है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है धौलाधार। अच्छा चोलंग पीक जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है ये आप मुझे कमेंट करके बताइए कि चोलंग पीक जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 है डिसेंडियल ग्रोथ ऑफ हिमाचल इज 2001 से लेकर 2011 के बीच में हिमाचल की डिसेंडियल ग्रोथ क्या रही है। ये क्वेश्चन भी देखो एग्जाम में पूछा जा चुका है, इस क्वेश्चन का सही आंसर जो आपके पास होगा वो होगा ऑप्शन सी 12.94, 12.94 जो है वो हिमाचल की डिसेंडियल ग्रोथ रेट रह चुकी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, टोटल एरिया ऑफ हिमाचल हैज़ बीन ब्राउट अंडर फ्लावर कल्टीवेशन। हिमाचल का कुल कितना क्षेत्रफल पुष्प खेती के अधीन है? तो हिमाचल का कुल क्षेत्रफल जो है वो 441 है, जो कि फ्लावर कल्टीवेशन के अंडर है, पुष्प खेती के अधीन है। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 है, हु वॉज द कुल्लू राजा व्हेन 12 ईयर वॉर वॉज फॉट अगेंस्ट चंबा स्टेट। उस समय कुल्लू के राजा कौन थे जब चंबा के खिलाफ 12 वर्षों तक युद्ध लड़ा गया था? देखिए उस समय जो था वो चंबा के राजा थे। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, नारद पाल। नारद पाल जो थे वो उस समय कुल्लू के राजा थे जब चंबा के खिलाफ 12 वर्षों तक युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, थरोच एंड दांधी फॉर्मली प्रिंसली स्टेट आर विद स्टेट। थरोच और दांधी जो थे वो पहले किस डिस्ट्रिक्ट के साथ होते थे? तो ये जो थे ये होते थे ऑप्शन सी जो है वो शिमला सही आंसर है, शिमला के साथ ये होते थे। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 है, हु लेड सुकेत सत्याग्रह। सुकेत सत्याग्रह का नेतृत्व जो था वो किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो था ये किया गया था पंडित पद्मदेव जी के द्वारा। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, यूएस क्लब शिमला वॉज फाउंडेड इन। यूएस क्लब शिमला की स्थापना जो थी वो कब हुई थी? देखिए यूएस क्लब शिमला के बारे में मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, तो इसकी स्थापना हुई थी 1866 में। ऑप्शन ए जो है क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फॉर्म ऑफ हिमाचली नाटी हैज़ बिन प्रेजेंटेड व्हेन द अमेरिकन प्रेजिडेंट अराइव्ड इन इंडिया। अमरीकी राष्ट्रपति के भारत आने पर कौन सी हिमाचली नाटी जो थी वो प्रस्तुत की गई थी? देखिए प्रस्तुत की गई थी जब अमेरिका के राष्ट्रपति हिमाचल इंडिया आए थे, तो नाटी प्रस्तुत की गई थी सिरमौरी नाटी। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। इस क्वेश्चन को हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियसली। विच राजा ऑफ मंडी गेव हिज किंगडम टू माधव राव। मंडी के किस राजा ने अपना राज जो था राज्य जो था वो माधव राव को दे दिया था? देखिए ये क्वेश्चन भी हमने डिटेल में डिस्कस किया था। इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो है ऑप्शन ए। देखिए अगर आपको लगता है कि आप साथ साथ में कमेंट्स भी कर सकते हैं क्वेश्चंस के, तो आप इन क्वेश्चंस के आंसर जो है वो कमेंट भी कर सकते हैं। जब तक क्वेश्चंस को क्विकली पढ़िए और उसका आंसर फटाफट ए बी कमेंट नीचे कर सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल होगा ये भी आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एट विच प्लेस इन डिस्ट्रिक्ट चंबा इज सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म। डिस्ट्रिक्ट चंबा में सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म जो है वो कहाँ पर स्थित है? देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिस्ट्रिक्ट चंबा में सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन डी सही आंसर है, ओनली ए एंड बी। ओनली ए एंड बी इन छह जगहों पर डिस्ट्रिक्ट चंबा में सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म स्थित है। कौन कौन सी है? अहला, भैया, भागत, धरवास, राजपुरा और थुल्लेट। तो इन जगह पर जो है कौन सा है ये फार्म स्थित है, तो यहाँ पर आप याद रखें इन छह जगहों के नाम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच ऑफ दी फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इंक्लूड इन ओल्ड हिमाचल। इनमें से कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है वो ओल्ड हिमाचल में आता है? आपको पता है ओल्ड हिमाचल और न्यू हिमाचल के बारे में मैंने आपको प्रीवियसली बताया था, तो अगर ओल्ड हिमाचल की आप बात करेंगे तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए चंबा। चंबा जो है वो ओल्ड हिमाचल में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन, प्राइनो गदर आर टाइप ऑफ मैरिज अमंग विच ट्राइब ऑफ हिमाचल। प्राइनो गदर जो है एक मैरिज की टाइप है, तो हिमाचल की कौन सी ट्राइब के बीच जो है ये मैरिज की टाइप है? देखिए ये खसास के बीच में मैरिज की टाइप है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर परमाणु टिम्बर ट्रेन मेट टू अ बिग एक्सीडेंट। परमाणु टिम्बर ट्रेन एक्सीडेंट जो था वो कब हुआ था? तो परमाणु टिम्बर ट्रेन एक्सीडेंट जो था वो 1992 में हुआ था। तो 1992 ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट स्काई साइकिलिंग पार्क हैज बीन ओपन्ड एट विच प्लेस इन हिमाचल। भारत का पहला आकाश साइकिलिंग पार्क जो है हिमाचल में किस जगह पर खोला गया है? तो ये क्वेश्चन इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मनाली। मनाली में खोला गया है इंडिया का पहला स्काई साइकिलिंग पार्क। यहाँ से आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अटल बिहारी वाजपेयी माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई थी और इसके पहले निदेशक कौन थे, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए। एक और बात, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। तो आप लोगों के लिए जो आज का क्वेश्चन है वो है, वेयर इज द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बीइंग सेट अप विद द हेल्प ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक इन टूरिज्म एंड हॉस्पिटेबिलिटी। पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में एशियन विकास बैंक की सहायता से उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो
ये क्वेश्चन हमने प्रीवियस एचपी करंट अफेयर बूस्टर की वीडियो में डिस्कस किया था, अपना आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।